रविवार को इंदौर जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। बेटमा में शासकीय चिकित्सालय के साथ आंगनवाड़ी केंद्र और बस स्टैंड पर बच्चों को पोलियो की दो बूंद की खुराक पिलाकर 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। पोलियो अभियान के लिए इंदौर जिले में 3 दिन में 5 लाख बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य है। बेटमा में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत में रविवार को नगर के 20 बूथों पर 2400 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 4829 बच्चों को यह दवा पिलाई गई। कुल मिलाकर पहले दिन बेटमा क्षेत्र में 7229 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। इस अभियान अंतर्गत 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खुराक दिए जाने का लक्ष्य है। फिर सोमवार और मंगलवार को घर घर जाकर खुराक दी जाएगी। गौरतलब है कि बच्चों को पोलियो नामक बीमारी से बचाने के लिए भारत में इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 1995 से हुई थी। इसके बाद भारत 27 मार्च को पोलियो से मुक्त हो गया था। आखिरी मामला पश्चिम बंगाल में 2013 में आया था। उसके बाद इसका कोई केस सामने नहीं आया। भारत में कई नामचीन लोग बॉलीवुड और क्रिकेट जगत की हस्तियां भी इस अभियान का हिस्सा हैं। इसके साथ प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस अभियान से जुड़ते हैं। इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आज पल्स पोलियो अभियान में जो टारगेट था हमारा, उसका 98% अचीवमेंट कर लिया गया है और ब्लॉक का देखा जाए तो 86% अचीवमेंट हो गया है हमारा। आज के दिन हम बूथ पर लगा के ही पोलियो की दवा पिलाते हैं। इसके बाद हम डोर टू डोर जाके 2 दिन घर घर जाके दवाई पिलाएंगे, उसमें हम 100% टारगेट अचीव कर लेंगे। आपका नाम बता। डॉक्टर अभिलाष बीएमओ देपाल। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।